नमस्कार। आज नवरात्रि का पावन दिन है जिसे देश भर में बड़े ही विधि विधान से मनाया जाता है। नवरात्रि के ये पावन पर आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर दे। आइए जानते हैं हमारे पंडित जी राजेश कुमार पाठक जी से नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और इनके पीछे क्या कारण है। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं और इसके पीछे क्या महत्व है। देखिए ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है नवरात्रि मनाने का। त्रेता युग की बात है जिसमें भगवान राम का वनवास हो रहा था। वनवास के लिए विषय में चर्चा आती है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत। कैकेयी कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे राम जी वन को जाएं, लेकिन देवताओं की कार्य हेतु सरस्वती से विनय की गई कि आप जाकर के मंथरा की बुद्धि को पलट दीजिए और जिससे देवताओं का कार्य बनेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं देवताओं कार्य के लिए हम तैयार हैं बुद्धि पलटने के लिए। कैकेयी तो अपने पुत्र से बढ़कर मानती थी राम को जी। तो कहा कि अगर आप हमें क्या लाभ होगा, सरस्वती माता ने कहा कि उनकी बुद्धि को पलटने में मेरे को क्या लाभ होगा। तो देवताओं ने कहा देखिए अगर आप ये कार्य करेंगे हमारे लिए तो आपकी संसार में चार बार पूजा होगी। दो बार गुप्त नवरात्रि जो अषाढ़ और माघ के महीने में आते हैं और दो बार जो है बसंती एक नवरात्रा होता है, एक शारदीय जो अभी चल रहा है आज से प्रारंभ हुआ। तब सरस्वती माता ने जाकर के उनकी बुद्धि को पलट दिया कैकेयी की। तो कैकेयी ने आपने सारी कहानी सुनी हुई रामचरितमानस में, तब से ये नवरात्रि का प्रचलन हुआ। एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जिस समय रोहिणी के गर्भ को ट्रांसफ़र किया गया था देवकी के गर्भ से, तो रोहिणी जी वहाँ जो लड़की कन्या गई थी तब उन्होंने यही मांगा था कि हमको क्या लाभ होगा जो हम गर्भ किसी का गर्भ श्राप करें गर्भपात करें मेरे को क्या लाभ हो। तब भी भगवान ने कहा तो दो बार ये हुआ था, इसलिए दो बार प्रत्यक्ष रूप में पूजा होती है। वहाँ भी कहा कि आपकी नौ दिन पूजा होगी और संसार में लोग आपकी आराधना उस समय बड़े नियम संयम से करेंगे, तब से नवरात्रा मनाया जा रहा है। तो पंडित जी जैसे कि नवरात्रों के दिनों में कन्या पूजन किया जाता है, तो कन्या की उम्र या स्वरूप कैसा होना चाहिए और कितने ब्राह्मणों द्वारा पाठ किया जाना चाहिए। देखिए भाई जी आपने कन्या के विषय में चर्चा की तो मैं बताता हूँ, कन्या की उम्र दो वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष की बताई गई है। तो 2 वर्ष की कन्या कुमारी होती है, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, ऐसे 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, फिर काली, फिर सुभद्रा इत्यादि जो है 10 संज्ञा के में कन्याओं की संज्ञा आती है। उनकी पूजा करने से लाभ मिलता है, उनसे ऊपर या कम उम्र की कन्या का पूजन करने में लाभ नहीं। जैसे 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 10 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, उसको विजय उसको जो है त्याग देते हैं। और ब्राह्मणों की बात आपने पूछी, ब्राह्मणों का ये है कि विषम संख्या के ब्राह्मण होनी चाहिए। कह तो एक 3-5 हूँ और नहीं समस्त सिद्धियों के लिए ब्राह्मण जो है 5 ब्राह्मण मिलकर के जहाँ पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत आती है, उसमें 5 ब्राह्मण मिलकर के अगर पाठ करते हैं तो सर्व सिद्धियाँ उनसे प्राप्त होती हैं। ये ब्राह्मणों का युग्म संख्या के ब्राह्मण नहीं, विषम संख्या के ब्राह्मणों की बताया गया हमारे शास्त्रों में, तो ज़्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसा कि पंडित जी आपने बताया 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु की कन्याएं पूजनीय होती हैं, किस पाठ के द्वारा ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, अगर पूर्ण पूजा का विधान ना हो सके तो क्या उपाय करने चाहिए। जैसा कि आपने पाठ के विषय में पायल जी पूछा तो हम आपको बताना चाहेंगे मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती का एक पाठ आता है, उसी के अंतर्गत श्लोक हैं 700। उन श्लोकों का विधिवत पाठ करने में नियम पाठ विधि वगैरह दिया रहता है, उसको देख के अगर ये सब मंत्र किसी को नहीं आता है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म किसी माँ का स्वरूप का नाम लेके, जैसे ओम कात्यायने नमः या ओम सरस्वते नमः या ओम ब्रह्मचारिणे नमः, जो स्वरूप हैं उनके आगे ओम और बाद में नमः लगा देने से वो मंत्र पूर्ण हो जाता है। या कुछ नहीं मालूम तुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र के द्वारा ही सारी औषधियाँ तुदीयं वस्तु भगवती तुभ्यमेव समर्पय, सारी औषधियाँ चढ़ा सकते हैं जी। तो कहने का भाव है पहले तो ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराने का विधान है और उसमें अपने आप पाठ करने का विधान है, चाहे वो दुर्गा सप्तशती का पाठ हो और चाहे वो अन्य देवता का पाठ हो। ये नहीं दुर्गा सप्तशती के नवरात्रे हैं तो उनमें दुर्गा जी का ही पूजा हुआ, दुर्गा जी की पूजा ने वैसे बसंती नवरात्रों में विशेषता है विष्णु की पूजा, शारदीय नवरात्रों की विशेषता है शक्ति की पूजा। तो बसंत नवरात्रों में विष्णु की पूजा में रामचरित मानस का पाठ इत्यादि होता है, विष्णु की पूजा होती है, इसमें शक्ति की पूजा की जाती है। और इन सब में सूक्ष्म कुछ नहीं, अगर आपको पाठ संस्कृत मान लो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप उनके नाम के आगे ओम लगा करके बाद में नमः कह के हर एक वस्तु समर्पण कर सकते हैं।
जी पंडित जी, तो जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि किस पाठ को करने से लोगों को लाभ मिल सकता है, तो पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान ना हो तो किस विधि विधान से वो उसकी अर्चना कर सकता है। हाँ देखिए पायल जी, जैसा आपने पूछा कि अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान ना हो तो वो किस प्रकार पूजा करे, कैसे पूजा करे, उसका विधि विधान क्या है। पिछली मैंने बताया अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो हर नाम के आगे ओम लगा करके बाद में नमः लगा करके पूजा कर सकता है। जैसे सर्वप्रथम जो है स्नान ध्यान करके मंत्र जो है शुद्धि करके, स्नान कई तरीके मंत्र शुद्धि करके स्नान ध्यान करके गणेश आदि की पूजा करे। इसमें विशेष पूजा होता कलश पूजन, गणेश, गौरी, नवग्रह, पंच लोकपाल और षोड़श मात्रका आदि का पूजन, स्वस्ति वाचन करके संकल्प लेके जो आपकी मनोकामना हो कि मेरी ये मनोकामना, हिंदी में भी बोल सकते हैं कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण भगवती, मैं आपकी आज से आराधना प्रारंभ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसमें जैसे गणेश जी का पूजन करना तो ओम गणेशाय नमः, ओम षोड़श मात्रकाभ्यो नमः मात्रका पूजन करना, क्षेत्रपाल का ओम क्षेत्रपाल पालाभ्यो नमः, ओम दिगपालाभ्यो नमः, ओम पंचलोकपालाभ्यो नमः, मतलब ये जिसको संस्कृत नहीं मालूम वो उसके नाम के आगे ओम लगा के पूजा कर सकता है। और वैसे ही भगवती की प्रधान पूजा बाद में होती है तो ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम दुर्गाय नमः या ओम चंडिकाय नमः, तो किसी भी नाम से नहीं, एक सूक्ष्म मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच, इससे सब देवियों की पूजा सब शुरू हो जाता है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूपों की पूजा इससे हो जाती है जी। तो इस प्रकार आपको विशेष जो है अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो सूक्ष्म यही आपको उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ओम नाम के आगे किसी भी शक्ति, किसी देव के आगे ओम और बाद में नमः करके हर एक वस्तु के द्वारा उनका पूजन कर सकते हैं। जी पंडित जी, तो जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया कि किस पूजा के द्वारा आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो पंडित जी मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में प्रकाश डालिए और साथ ही समापन की विधि भी बताइए। हाँ देखिए पायल जी, आपने दुर्गा जी के स्वरूपों के विषय में पूछा तो मैं बताना चाहूँगा कि वही सप्तसती के अंतर्गत जो हमारी 700 श्लोकों की पुस्तक है मार्कंडेय पुराण की जी। उसमें कवच के अंतर्गत आता है प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा अपकीर्तः। इन ये नव नाम जो हैं आप किसी भी संकट में, किसी भी आप घोर मतलब जो है आप के साथ घोर अन्याय हो रहा हो, शत्रुओं ने घेर रखा हो, तो ये नव नाम लेने से जो है इंसान को विजय प्राप्त हो जाती है, वहाँ कष्ट निवारण हो जाता है। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथम शैलपुत्री नाम पड़ा कैसे कि हिमालय की पुत्री हुई है तो शैलपुत्री के नाम। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारियुतम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी, जिसका आनंदमय सच्चिदानंदमय नित्य आनंदमय होने का भाव है, शील है, स्वभाव है, तो इसलिए ब्रह्मचारिणी कहलाएंगे। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटेति इनका नाम पड़ा इनके घंटा के ऊपर चंद्रमा विराजमान रहे तो इसलिए इनका चंद्रघंटेति नाम पड़ा। तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम कूष्मांडेति जिनका चौथा नाम पड़ा क्योंकि सारा ब्रह्मांड ये अंड है, अंड कहते हैं ब्रह्मांड, तो ये सारा ब्रह्मांड भगवती के उदर में समाया हुआ है इसलिए इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। पंचमम स्कंद मातेति, अब स्कंद माता इनका नाम पड़ा कि सनत कुमार जी इनके द्वारा उत्पत्ति हुई उनका नाम स्कंद पड़ा जी। तो इसलिए स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा जी पंडित जी। षष्ठम कात्यायनी चा, अब इनका कात्यायनी नाम पड़ा जब इन्होंने कात्यायनी ऋषि के आश्रम में जाकर के उत्पन्न हुई तो ये कात्यायनी कहलाएंगे। प्रथम कालरात्रि, अब कालरात्रि इनका स्वरूप पड़ा जैसे महिषासुर मर्दिनी दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए, कालरात्रि मतलब जो है काल की भी रात्रि मतलब विनाश करने वाली, इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। अष्टम महागौरी, महागौरी नाम इनका पड़ा है कि भगवती ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, तपस्या करते करते इनका गौर वर्ण हो गया ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। और नवम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्ता, नवा नाम आता सिद्धदात्री, ये सिद्धि को देने वाली हैं, आपकी मन वांछित फल को देने वाली हैं, इसका नाम इनका, इसलिए इनका नाम सिद्धदात्री पड़ा। तो इन नौ स्वरूपों के रूप में जो भी भक्तजन इन्हीं के नाम से अब आया, इन्हीं के अब जो जिनको मंत्र नहीं पता है, जिनको पूजा करने का विधान नहीं पता, तो इन नामों के आगे भी ओम और बाद में नमः लगा कर के पूजन कर सकता है जी। और इन्हीं नामों के द्वारा हवन भी कर सकता है,
इन्हीं की नामों के द्वारा समस्त सामग्री भी अर्पण कर सकता है, जैसे ओम कायतेन्नय नमः, ओम शैलपुत्रेय नमः, अभवन करना हो ओम शैलपुत्री स्वाहा, ओम कालरात्रे स्वाहा नमः, हट जाएगा। तो ये विधान है पूजन करने का, सूक्ष्म से सूक्ष्म, नहीं तो बृहद विधान है राजोपचार, जैसे है पंचोपचार पूजा, पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि से पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, यथा मिलितोपचार, राजोपचार भी होता है, जैसे राजा महाराजा पूजा करते हैं, बहुत ही सामग्री लगती है। तो इन सबको इसे जब कोई भक्त बेचारा गरीब है तो अपना इन नामों से भगवती की पूजा कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। दूसरा रहा समापन के विषय में आपने पूछा, समापन 9 दिन जो व्रत रखता है वो भगवती का जो है जितना पाठ करता है उसका दशमांश उसे हवन करना चाहिए। दशमांश हवन करने के बाद में दशमांश तर्पण करना चाहिए, फिर दशमांश मार्जन करना चाहिए, फिर उसका दशमांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। तो ऐसे समापन होता भगवती को ध्यान में, जो हमारे से अपराध हुआ हो, पूजा में त्रुटि रह गई, बार 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 मुहुर् मुहु बार बार क्षमा याचना की है, आवाहन न जानाम न जानाम विसर्जनम पूजाम चे न जानाम क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्री श्री यदि पूजितम मया देवी परिपूर्णम तत्व, जिस कामना के लिए जिस सिद्धि के लिए हमने आपको पूजा है, हमारी पूजा में जो भी त्रुटि रह गई हो उसको आप कृपा करके क्षमा करें और भगवती का चित्र के सामने उनकी सान्निध्यता प्राप्त करें कि भगवती हमारे अंदर हैं, मैं भगवती के अंदर हूँ, ये भावना बनानी चाहिए, तो अवश्य उसका कल्याण होगा ऐसा करने से। और फिर नौ कन्याओं का पूजन बताया जैसे पीछे आप, तो फिर नौ कन्याएं श्रद्धा है तो एक नहीं दो तीन चार पांच विषम संख्या की आप जो है कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उसमें भोजन कराने में भी कन्याओं का पहले चरणामृत लेना चाहिए, पैर धोना चाहिए, फिर उनको कलावा बांधना चाहिए, टीका करना चाहिए, पुष्पमालाएँ पढ़ानी चाहिए, चुन्नी पहनाना चाहिए, जो द्रव्य दक्षिणा पात्र आदि दान में भेंट में देना चाहते वो देना चाहिए, उनको मीठा भोजन कराना चाहिए, तो जिससे कल्याण होगा। उसके बाद में मेरी पूजा के प्रमाणात यानी हमारे अहंकार से मेरे द्वारा गलतियां मन से हुई, मनसावाची कायिक जो मेरे से गलतियां हुई पूजा में, उसे भगवती आप क्षमा करना, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन कहते हैं यहाँ तो देवगढ़ा सर्वे पूजा है मादाए माम की, कि जो हमारे द्वारा पूजा हुई है और उसमें भगवती जो गलती उसे क्षमा करने के बाद आप अपने स्थान पर जहाँ आपका स्थान है जहाँ आप विराजमान रहती हैं, जो भगवती की पूजा में सामग्री दान दक्षिणा अर्पण की जाती है उसका विधान बताया है, मत्स्य सूक्त का आदेश है जी। कि देवी दत्वा तु दानानी, कि देवताओं को देवी दत्वा तु दानानी, देवी दद्यांत दक्षिणा ती सर्वम ब्राह्मणे दद्यात अन्यथा विफलम भवेत, वो समस्त सामग्री वस्तु अर्पण की हुई ब्राह्मण को ही देनी चाहिए, ऐसा मत्स्य सूक्त का आदेश आता है उसमें लिखा हुआ है कि जो हमने अर्पण किया है भगवती को या जो देवता को अर्पण की हुई वस्तु ब्राह्मण को देनी चाहिए पहले, और ब्राह्मण उसका किसमें जो है वर्गीकरण किसमें बांटता है, कैसे उसका जो है सेवन करता है तो उसकी ड्यूटी है, तो उसको फल मिलता है। अन्यथा लोग क्या करते हैं, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये समाज के लिए बता रहा हूँ, आपको फल तभी मिलता है कि जो देवता पे अर्पण की हुई वस्तु है पहले ब्राह्मण को अर्पण कर दीजिए, फिर ब्राह्मण उसको प्रसाद स्वरूप चाहे इसको झोली में डाल के दे तो वो उसको फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये और ये भी है, हमारे दुर्गा सप्तशती में आता है कि जो भगवती का भगत है, जो भगवती भक्त जितने भक्त हैं वो यदि नित्यप्रत ये नहीं नवरात्रों में पूजा कर ली, नवरात्रों पूजा में उसको प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए भगवती की, प्रतिदिन चाहे वो सूक्ष्म पूजा करे जैसे बताया सूक्ष्म उपाय, चाहे बृहद पूजा करे, तो यौन पूजियत नित्यम चंद्रिकाम भक्त बसलाम लिखा हुआ है उसमें व्यक्ति दृश्य में, तो उसके समस्त जो हैं किए हुए कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो यौन पूजते नित्यम चंद्रिका भक्त बसलाम भस्मीकृता यस्य पुण्यानि निर्देहेत परमेश्वरी, जो भगवती का भगत अपने को मानता हो, जो भगवती का उपासक हो, जो भगवती के किसी सिद्धियाँ रिद्धियाँ वैभव प्राप्त करना चाहता हो तो उसको नित्य प्रति भगवती का पूजन करना चाहिए। यही नहीं कि नवरात्रों में पूजन कर लिया और बाद में अपना जो है व्यसन में जो है लग गए
अपने जो है कार्य के आगे भगवान को भूल गए। तो कहने का भाव भक्ति ने कहा है वैकृतिक रहस्य में, उसी में आता है सप्तती के अंतर्गत, कि नित्य प्रति थोड़ा ही पूजन करें, भगवती को रोज आराधना करनी चाहिए, उनका रोज ध्यान करना चाहिए, उनका रोज मनन करना चाहिए, उनके सानिध्य में ही सब कुछ अर्पण करके जो है आपको जीवन यापन करनी चाहिए। तो मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस भगत का अवश्य में कल्याण हुआ जो इस प्रकार भगवती के समस्त जो है पूजन करके जीवन यापन करके अपना दिनचर्या अर्चन पूजन करके जो है अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे तो उनका अवश्य में कल्याण। तो जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया नवरात्र की शुरुआत कैसे की जाए और किस विधि विधान द्वारा माता रानी को प्रसन्न किया जाए, और साथ ही पंडित जी ने ये भी बताया कि कन्याओं के पूजन के समय उनकी उम्र या स्वरूप कैसा होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टाइम परिवार की तरफ से नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।